हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए फ्राइडे को कमिंग 36 आवर्स की रीडिंग लेकर। देखते हैं आने वाले 36 घंटे आपके लव लाइफ में कैसे होने वाले हैं, क्या कुछ वार्निंग्स हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, ये सब हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसको इमेजिन कर लिया कीजिए जब भी मैं कोई भी रीडिंग शुरू करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर ये तीन डेक्स मैं यूज़ करूँगी। तुम सीधे हो जाओ, उल्टे क्यों हो? ठीक है, ये तीनों डेक मैं वन बाय वन यूज़ करूँगी और तीनों ही डेक से हम लेंगे 5-5 कार्ड्स और कलेक्टिव लेवल पे हम देखेंगे कि आने वाले 36 आवर्स आपकी लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कमिंग 36 आवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, लव लाइफ और उनके पर्सन की एनर्जी, क्या एनर्जी है ओवरऑल। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, कमिंग 36 आवर्स लव लाइफ। कमिंग 36 आवर्स गाइडेड मैसेज, ओके, ग्रैटिट्यूड बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो मैंने ले लिए हैं गाइस कार्ड्स। अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि कैसी एनर्जी रहेगी आपकी, कैसी रहेगी एनर्जी आपके पर्सन की आने वाले 36 घंटे में। तो अगर हम आपकी बात करें तो आपकी जो एनर्जी है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सटल है, बैलेंस है। 36 आवर्स आपके मन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बस वो है कि आपकी रिश्ते में आपको होप रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादातर लोग इसी मुद्दे पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको आपका पाथ पता है, आपको पूरी क्लैरिटी है, लेकिन उसके बावजूद आपके मन में कई बार ऐसे विचार आएंगे कि मैं इस रिश्ते में होप रखूं या सरेंडर कर दूं, क्या इस रिश्ते में कोई डिवाइन हेल्प मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये भी एनर्जी है कि आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी टेंशन्स आपको मिल रही हैं, जो भी एंग्जाइटी आपको हो रही है, उससे आप जल्दी बाहर निकल जाएं, ये रिश्ता जो है एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दे। और कुछ बर्डन भी आपके ऊपर है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, आपके ऊपर बहुत बोझ है, सफरिंग वाली एनर्जी है। आप चाहते हैं कि वो सफरिंग आपके लाइफ से रिमूव हो जाए और आपको क्लैरिटी मिल जाए, आपका माइंड स्टेबल हो जाए, क्योंकि आपका माइंड 24 घंटे आपके पर्सन के बारे में सोचता है और आप उस सिचुएशन से अब बैलेंस में आना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपका जो दिमाग है वो 24 घंटे एंग्जाइटी में रहे, टेंशन में रहे। जैसे जैसे आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस होती जा रही हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन पे रिलाई कर रहे हैं और सामने से उनको उतना जो क्लैरिटी है वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप इम्बैलेंस एनर्जी में हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आपको मदद कर रही है या कर रहा है, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका कोई दोस्त हो, मित्र हो, कोई गुरु हो, गाइड हो, एंजल्स हो, आप उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आप उनके साथ हमेशा रिस्पेक्टफुली ट्रीट कीजिए उन लोगों को, ताकि आप फियर में ना रहें। कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा डर में हैं, बहुत ज़्यादा फियर है आपको किसी को खो देने का, या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा किसी ऐसे शख्स का सहारा लें जो जिस पर आपको बिलीव है, जिसको लगता है कि आप सब कुछ कह सकते हो। ठीक है,
तो ऐसे शख्स अगर आपकी लाइफ में हैं तो उनको वैल्यू करें, उनको ग्रैटिट्यूड शो करें, जो आपकी बातों को अपने तक रखें, जो आपका साथ दें। इस तरह की एनर्जी 36 घंटे की रहेगी आपके पर्सन, आपकी एनर्जी में ये चीज़ें निकल कर आई हैं, तो आपके पर्सन को लेकर ये सारे थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैवी फील करेंगे, बट ज़्यादातर लोगों की एनर्जी है कि भाई सेटल है, एनर्जी बैलेंस है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है किस पाथ पे आप चल रहे हैं और आपने एक तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और अब आप निश्चिंत हैं कि जो होगा आपके फेवर में होगा, आपके अच्छे के लिए होगा। कुछ लोगों की एनर्जी में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो सकती है। अब अगर हम बात करें आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी 36 घंटे के अंदर, तो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, इनकी लाइफ में मल्टीपल जो सिचुएशंस हैं नज़र आ रही हैं, या फिर कुछ लोगों के पर्सन अगर सिंगल हैं तो उनकी लाइफ में किसी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, और ये जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है ये किसी फीमेल का है। एक तरफ तो आप हैं बट दूसरी तरफ यहाँ पर कोई अदर सिचुएशंस हैं, और ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाले 36 घंटों में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहती हैं या आना चाहते हैं, इसकी भी एनर्जी है, बिकॉज़ बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, मेमरीज ऑफ लव। तो ये चाहे जिस भी सिचुएशन में अटकी हुई हैं या अटके हुए हैं, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी हो या इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। तो अगर इनका कोई बर्डन है, कोई इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी या नहीं दे पा रहे थे, तो ये आपके बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे इन 36 घंटों में। और इस थिंकिंग का प्रोसेस, बेनिफिट ये है कि ये प्रोसेस में आप इनको याद रहेंगे तो ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपकी तरफ कोई स्टेप ले सकते हैं, ये एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, मे बी वो हाई ऑनर पोजीशंस पे हैं, कोई ऑफिशियल पर्सन है, मे बी दूर हैं आपसे, या फिर इनकी लाइफ में किसी मैच्योर फीमेल या मेल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मैच्योर वुमेन, या फिर ये ऑलरेडी किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है या कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है जिसकी वजह से ये चाह कर भी रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, बट ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये चाहते हैं कि ये आपको बता दें या आपको जता दें कि इनकी लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है, आप इनकी लाइफ में बहुत प्रेशियस हो। तो इनकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो है कि मिसिंग एनर्जी है, ये आपको अप्रिशिएट करते हैं, ये आपकी वैल्यू करते हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो ये उस थर्ड पार्टी की बातों में ना आकर ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं जो इनके दिमाग से, इनके दिल से लिया हुआ स्टेप हो। कुछ लोगों के पर्सन को 36 घंटे के अंदर किसी तरह की गुड न्यूज़ भी मिलेगी रिलेटेड विद देयर वेल्थ, मे बी जॉब से रिलेटेड, मे बी सडनली कोई गेन होना, मे बी सडनली इनकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आना, इस तरह की कोई एनर्जी भी है, तो ये आपको ये कोई गुड न्यूज़ इस तरीके के आप तक पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज की अगर हम बात करें तो होप रखनी है आपको, पॉजिटिव रहना है, चाहे अभी इस वक्त आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो कांटेक्ट में होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बस अब आप दोनों के रिश्ते में सब सुधार हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके माइंड में अब कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं कि सब अच्छा ही होगा, सब फ्रूटफुल होगा, अब सब ठीक हो गया है, अब कुछ गलत नहीं होगा। और सडनली आने वाले हफ्ते में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो, आपको लगता है यार मैंने तो सोचा था कि अब कुछ ख़राब नहीं होगा, अब कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन फिर से चीज़ें ख़राब हो गई, फिर से चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई हैं, झगड़े हो गए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपके लाइफ में, ये अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पीरियड तक और कंटिन्यू हो सकती हैं, बिकॉज़ यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि इनके ऊपर किसी न किसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि ये आपसे कुछ सिर्फ डिस्कस करें और आपको बुरा लग जाए, या आपको ऐसा लगे कि यार फिर से वही सारी चीज़ें, फिर से वही सब कुछ शुरू हो सकता है। तो इनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी,
अनमैरिड कपल हैं तो भी, ये अगर आपसे कुछ चीज़ें अपना समझ के शेयर करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, तो उस बात का मुद्दा मत बना लीजिएगा कि नहीं तुम मुझे फिर से छोड़ दोगे या छोड़ दोगी, या तुम धोखा दे रहे हो या दे रही हो, या तुम जाओ वहीं रहो मेरे से मतलब नहीं है, इस तरह की बातें मत कीजिएगा, क्योंकि इनकी मूड स्विंग हो सकती है, आपकी नहीं। आप सेटल हो, आप बैलेंस हो, तो इसलिए आपको गाइड किया जा रहा है कि इनका मूड स्विंग होगा तो इनके अकॉर्डिंग आप कोई ऐसी कन्वर्सेशन मत शुरू कर देना जिससे आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम हो जाए। देखते हैं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या 36 घंटे में आप लोगों को कॉल्स या मैसेजेस एक्सपेक्टेड हैं कि आपके पर्सन की तरफ से। अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो क्या कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं? येस, आपकी विशेज़ पूरी हो सकती हैं। वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ विद स्टैंड योर ग्राउंड, डेस्टाइन एनर्जी है यहाँ पर। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें 36 घंटे के अंदर कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। इवन आपके पर्सन किसी के मैनिपुलेशन में ना आकर आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।